तो आज मैं हूँ नेशनल पार्क में अपने भरतपुर केवला देवी नेशनल पार्क, और आज मौका मिला इस घने को देखने का। और एक्चुअली यहाँ पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल ये था कि एक तो मुझे ये पता चला कि आज इसमें पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, और जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे पानी काफ़ी है। लेकिन अभी एक्चुअली क्या है, मैं आ तो चुका हूँ, सारे इक्विपमेंट हैं देखने के लिए, लेकिन बहुत सी बर्ड्स ऐसी हैं जो मेरे समझ में नहीं आती हैं कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करूँ। बर्ड्स दुनिया भर की स्पीसीज़ हैं, इसमें 300 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं हमारे इस घना नेशनल पार्क में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई ये बर्ड्स कौन सी है ये बर्ड, और बिना जाने उसके नाम के थोड़ा सा बड़ा अनईजी सा हो जाता है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और कैसे आगे उसका पता रहे कि हाँ भाई हमने ये बर्ड देखी है। तो उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ ऐसे बात आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी कोई बुक होनी चाहिए या ऐसी कोई ऐप होनी चाहिए जिसके थ्रू अपन ये देख सकें कि हाँ भाई ये बर्ड हमने आज देखी है और यहाँ पर देखी है और ये इस तरीके की होती है, ये कलर होता है। तो समस्या यही है, बाकी का कोशिश करेंगे। और आज का दिन बहुत शानदार है, थोड़ी सी धूप निकल आई है। तो एक्चुअली दिक्कत यही होती है कि भाई किस तरीके से बर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। तो मेरे सामने अभी अंसार और श्याम जी जा रहे हैं, वाह क्या बात है, और दैट्स अ सरप्राइज़। आज इन्हीं को पकड़ लेता हूँ मैं, और आज अगर मेरे को घने में ये मिल गए ना तो इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों बंदों को 20-22 साल हो चुके हैं यहाँ बर्ड वॉचिंग करते हुए, और काफ़ी बर्ड्स की इनको नॉलेज है। तो आज यही बताएंगे हमको एक्चुअल में कि किस तरीके से हम बर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माना है, ऐप्स का ज़माना है, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए यार ऐप के थ्रू। बर्डिंग करने के लिए ऑनलाइन ई बर्ड ऐप है, उस पर भी कैसे लिस्टिंग वगैरह करते हैं मेरे को तो बहुत कम आती है यार, मेरे को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी समझ में आए, मेरे को भी समझ में आए। तो चलिए इन दोनों को आज पकड़ लेता हूँ। अरे राम राम भाइयों, राम राम। देखो दोनों यहाँ लग रहे हैं, और मेरे को बता देते ना बहुत बढ़िया, मेरे को बता देते मैं इनके संग नहीं आ जाता, मैं अकेला घूम रहा हूँ पंडे यहाँ। माफी चाहेंगे यार हम लोग, क्या है वो? कोई बात नहीं है। तो आज दोनों भाइयों से नम्र निवेदन है कि हमारी ऑडियंस परेशान है कि बर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें, कोई ऐप बताओ। ये दोनों भाई एक्सपर्ट हैं, ये श्याम जी हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड में अंसार खान। तो अब ओवर टू हिम, और आप पूछते हैं कि आज बताओ हमें और हमें संतुष्टि प्रदान करो कि बर्ड वॉचिंग कैसे होती है और कैसे सीख सकते हैं ऐप के बारे में। चलिए, तो अब मैंने घेर लिया है दोनों भाइयों को, और अब इनसे पूछते हैं कि हमें बताओ कि कैसे बर्डिंग करनी चाहिए, कैसे हम बर्डों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए बिगनर, अगर हम कहीं चले जाएं हमें पता तो रहना चाहिए ना कौन सी बर्ड है। बहुत बढ़िया, मतलब एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं और अंसार जी हम दोनों भी उसी को यूज करते हैं कई बार, क्योंकि नो वन इज एक्सपर्ट इन द वाइल्ड। मर्लिन की अगर हम बात करें तो ऐसा ऐप है जो बहुत ही प्यारा ऐप है, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है कॉलर लैब के द्वारा उसके ऊपर, और उससे बिल्कुल बिगनर जिसको कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है, जैसा कि आप जो कह रहे थे कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोगों को बिल्कुल बेसिक है, तो जो बिगनर्स हैं उन बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है वो आपके प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, इसको स्टोर करने के बाद में और यूज करना इस वेरी बहुत ही मतलब वो है, सिंपल है। क्वेश्चन आता है जनरली लोगों के दिमाग में कि यार मैं जंगल में खड़ा हूँ, बिल्कुल जंगल में चारों तरफ, मेरे पास कोई नेचुरलिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हर एक आदमी हायर भी नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके लिए ना कि मुझे हर जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे जो चीज दिखी है ना उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, फॉर देम मर्लिन इज द बेस्ट ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल है, पर कुछ लोग है ना आई मोबाइल यूज करते हैं, बिल्कुल, सो एप्पल स्टोर पे भी जाके स्टोर कर सकते हैं, और ये काफी बढ़िया ऐप है, इसमें आपको बर्ड्स के बारे में पूरा डिटेल में मिलेगा कि कौन सी स्पीसीज है, कहाँ मिलती है, उसका ब्रीडिंग से लेके हर चीज के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ऐप सब जगह मिलेगी अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए मर्लिन ऐप, उससे बढ़िया ऐप कोई बना नहीं है, सबसे बढ़िया ऐप वही है, कोई भी बर्ड्स का फोटोग्राफ, अगर आप बर्ड्स का फोटोग्राफ नहीं ले पाए और बर्ड्स को आपने देखा है, अगर उसको भी डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपको जस्ट बना के फोटो दिखाएगा, उस फोटो को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये बहुत शानदार ऐप है। और दूसरा ऐप जो बात कर रहे थे उसको ईबर्ड बोलते हैं, वो लिस्टिंग के लिए, उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे, और अभी मर्लिन के बारे में। तो चलिए, तो अभी मैं आपको सीधा स्क्रीन पर ले चलता हूँ मोबाइल की पे, और आप वहाँ से देखो कि किस तरीके से मर्लिन ऐप को डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से वो वर्क करती है। तो ये अपनी स्क्रीन आ चुकी है, और इस समय अपन करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे गए, यहाँ पे इसमें सर्च करना है MERLIN मर्लिन ऐप, ये आपके करते हुए मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी है, क्योंकि मैं पहले इनसे मिल चुका था, तो ये मेरे को बता चुके थे, लेकिन मैंने इनसे कहा कि मेरी ऑडियंस परेशान रहती है, उनको बताइए।
तो ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुकी है। अब मैं इस ऐप के बारे में श्याम जी से पूछूंगा आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। हाँ, जब ये ऐप जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जब हम ऐप को खोलते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा है स्टार्ट बर्ड आईडी जी, और उसके नीचे लिखा है फोटो आईडी जी, फिर गेट साउंड आईडी जी एंड एक्सप्लोर बर्ड्स जी। ये आपको चार आइकन्स आपको दिखेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बर्ड आईडी कैसे करनी है। तो हम स्टार्ट बर्ड आईडी को अगर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सबसे ऊपर एक सवाल लिखा हुआ दिखेगा आपको, वेयर डिड यू सी द बर्ड, मतलब आपने कहाँ देखा। आप पहचान तो नहीं पाए उसको, बट आपने कहाँ देखा, राइट। अगर आप करंट लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ लोकेशन का बटन आपको दिख रहा है। आप उस लोकेशन पर क्लिक करोगे तो आपका लोकेशन वो ऑटोमेटिकली करंट लोकेशन को क्लिक किया है। अपन केवला देवी नेशनल पार्क में है, हर जगह नेट नहीं आता, तो अपन दूसरे तरीके से देखा, थोड़ा स्लो है, काम करेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट फ्रॉम मैप है उसके नीचे जी जी, आप उससे भी कर सकते हो आप, यानी कि आपको अगर पता है जैसे अभी फिलहाल कहाँ हो वो इस एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जब आप पहुंचोगे तो उसके नीचे आपको देखा होगा यूज दिस लोकेशन, उसको आप प्रेस करोगे। अब ये बोल रहा है नीचे यूज दिस लोकेशन, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे चिड़िया आइडेंटिफाई करनी है, तो मुझे ये लोकेशन ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो मैं इस लोकेशन के नीचे बटन है दिस यूज दिस लोकेशन, उसको हमने क्लिक किया, और नेक्स्ट आती दूसरा सवाल आता है व्हेन डिड यू सी द बर्ड, कब देखा बेसिकली आज देख रहे जी, या आपने चार दिन पहले देखा है जी, या कौन से मंथ में देखा है जी, जो आप जिसके लिए आप कंफ्यूज हो जी, जी। तो मैं आज ही के लिए नेक्स्ट कर देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है टुडे सितंबर 27, मैंने नेक्स्ट किया। अब बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है दिमाग में कि इस चिड़िया थी कैसी, मैं जानता तो नहीं था, लेकिन कोई भी आदमी अगर उसकी तरफ आकर्षित होगा तो उसके बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में क्लिक होता है। स्पेशली जो लोग है ना स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अगर बर्ड्स के नाम या स्पीसी से नहीं पहचानेंगे, पर वो सेव देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि किस टाइप की बर्ड्स थी। तो उसमें सेव है, चार फोटोग्राफ दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, उन फोटोग्राफ में से आप जिस पे क्लिक करेंगे तो उस टाइप की स्पीसी इस पे आ जाएंगी। जस्ट लाइक हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी चिड़िया देखी है और वो ग्रीन और येलो कलर की थी, ठीक है, हम तो जानते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर उसको नहीं जानते हम तो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे छोटी पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, राइट। अब मुझे कलर देखने हैं, हमने बुशेज के अंदर थोड़ी सी अकेशिया है, उसके और बुशेज के बीच में कुछ येलो ग्लिंप दिखी, एक छोटी चिड़िया थी येलो कलर की, लेकिन मैं उसको नहीं जानता हूँ, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करें। तो उसमें ये कलर हमने पूछा और हमने येलो को इस पर किया। अब हम नेक्स्ट मारते हैं, ठीक है, हमने कहाँ देखा उसको देखिए, ये जो भी है ऊपर से नीचे देख सकते हैं, जिससे ना डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि किस चीज पे चिड़िया को देखा। हाँ, तो उसके बारे में अगर आप डालोगे सही तरीके से तो उसके बेबी मतलब जैसे ये क्या खा रही थी या स्विमिंग कर रही थी या जो भी है वो जो भी ग्राउंड में थी, ग्राउंड पे थी, जिस कंडीशन में बर्ड थी ना वो आप उनमें से एक को चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा इन ट्रीज एंड बुशेस, अच्छा वो ट्रीज बुशेस थी, और मेरे को छोटी चिड़िया थी पीले कलर की थी, राइट, ठीक है। अब मैंने इसको फिर आइडेंटिफाई पे क्लिक किया, नीचे जो बटन है जैसे क्लिक करके तो देखिए क्या बात है, ये बात है, आगे सेम चिड़िया थी, बस यही थी, वो इंडियन वाइट आई थी जिसको हम लोग देख रहे थे, और अगर हम नहीं जानते थे तो ये मेरी हमारी हेल्प कर सकता, ओरिएंटल वाइट आईज मिल गई है, क्या बात है। तो बेसिकली इसका यूज करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको चिड़िया को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस शेप की चिड़िया है, और उसमें फिर क्वेश्चन पूछता है कि किस पे बैठी थी, बुशेस पे थी, ग्राउंड पे थी, जो भी क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करेंगे और कलर सिलेक्ट करेंगे तो आपको बर्ड्स आ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली बर्ड्स हमने देखी थी। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस जो जो हमने डाली है वही वो डायरेक्ट निकल के आए, जितनी भी आसपास उस आकार के, ये ऐप आपको क्या करेगा, उस छोटे साइज में जितनी भी येलो कलर की मिलती जुलती चिड़िया होंगी वो सारी दिखा, वो सारे दिखाएगा, हो सकता है वाइट आई ना हो कि दूसरी हो, तो जी 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 नहीं तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जैसे 5-7 कल येलो कलर की चिड़िया आ गई, आपने देखा है ना, आप खड़े हो वहाँ पे, अच्छा अच्छा, तो देखिए बेसिकली आप अभी ऐप में देख रहे हो तो वाइट आई के नीचे दूसरी चिड़िया भी है जिसमें येलो है, सो ये ऐसी काफी सारी चिड़िया दिखाएगा जिसमें येलो कलर वगैरह होगा, सो आपको क्योंकि आपने देखी है तो आप फोटो देख के उसको पहचान जाओगे कि वो बर्ड्स कौन सी है, क्योंकि जो आपके दिमाग में फोटो बनाया ना उसको देख के वो आपको बताएगा कि इनमें ये नहीं थी ये थी। अच्छा, अब एक बात और बताएं श्याम जी, चलो ये तो हमको दिख गई, अगर हमने कहीं पहले कोई चिड़िया देख रखी है और उसको हम देखना चाहें, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फोटो है, हाँ हाँ, और मेरे को वो चिड़िया आइडेंटिफाई करनी है कि भाई ये चिड़िया कौन सी थी, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम लोग
जैसा कि हम लोग पहले देख रहे थे, शुरुआत में बता रहे थे कि चार ऑप्शन है फर्स्ट जी। तो स्टार्ट बर्ड आईडी में हमने देखा, ठीक है, तो हमने अपना हैबिटेट बताया, ठीक है ना, साइज बताया, कलर बताया और हमारा रिजल्ट आ गया, इससे हम संतुष्ट हैं। अब हमारे पास क्या है, हम थोड़े से हमारे पास कैमरा भी है, फोटोग्राफ्स भी है, लेकिन हमने वो फोटो तो खींचा था नैनीताल में, लेकिन पता नहीं वो कौन है ना, और बहुत सुंदर था लेकिन हम उसको आज तक नहीं पहचान पाए। जी जी जी। फोर्स के लिए हम फोटो आईडी पे जाएंगे। अच्छा, वेरी गुड, राइट, ठीक है इसका। तो फोटो आईडी पे क्लिक करेंगे और आपने जो भी अपने चूज फोटो, जो अपने जहाँ पे भी आपका फोटो पड़ा है, जहाँ पे भी आपके बर्थ, जिससे आप कंफ्यूज हो, वो नहीं समझ में आ रहा है, वो उस फोल्डर में जाएं और जो फोटो है आपका उसको सेलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल हम आपको ये एक ये बर्ड ले लिए, ये बर्ड ले लेते हैं, ठीक है जी। ये है व्हाइट ईयर्ड बुलबुल, राइट, ठीक है। लेकिन अब इसको आप नहीं जानते हैं तो इसको कैसे आइडेंटिफाई, अब इसको हमें नेक्स्ट करना है, राइट। इसको फोटो को ले लिया, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं आप, देखिए ये जूम भी कर सकते हैं, कई बार क्या फोटो बहुत छोटा होता है, इसको जूम करके आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, जैसे कि कन्फ्यूज ना हो मन लेंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा जूम किया और सही से प्रॉपर दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट बटन करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोकेशन डालते हैं, आप बगैर लोकेशन के भी, कई बार कॉमन चिड़िया बगैर लोकेशन की आ जाती हैं, लेकिन कुछ टफ चिड़िया होती हैं जिनके लिए लोकेशन आपको डालना पड़ती है। अभी ये काफी कॉमन चिड़िया है, इसलिए हम इसको बगैर के सीधे ही डाल देते हैं और आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। व्हाइट ईयर बुलबुल मिल गई है, व्हाइट ईयर बुलबुल मिल गई है, ठीक है ना। इस ऐप से आप अगर फोटोग्राफ हैं तो फोटोग्राफ से भी बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कैमरा की और बड़े इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल से भी फोटो खींच लेते हो और वो थोड़ा सा उसके कलर वो समझ में आ रहे हैं, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा और ये आपको मिलती जुलती चिड़िया लेके आएगा। बिगिनर के लिए इससे बढ़िया ऐप कोई हो नहीं सकता, जिसमें की सारी चीजें, इवन आप बर्ड्स की जो साउंड है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, और भी है इस ऐप में। हाँ जी। नीचे गेट साउंड आईडी। अच्छा, अगर आप खाली बर्ड की साउंड सुन रहे हैं और उससे पता चलने लगा, आप अपने घर पे बैठे हैं और क्यूरियसली आपको कुछ ऐसी आवाज आती है जिसको देख के लगता है बड़ी प्यारी आवाज है, लेकिन कौन सी चिड़िया की है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। तो आप अपने मोबाइल में अगर उसकी आवाज को डाउनलोड कर लेते हैं, आप उस आवाज से भी आप अपनी बर्ड्स को यहाँ ढूंढ सकते हैं। गुड। तो उसके लिए आप उस पर क्लिक करें, सीधा वो साउंड आउट इसमें दिखा रहा है, नहीं ठीक है, कर सकते हैं। बेसिकली दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर क्रीचर है वो है एक्सप्लोर बर्ड्स का, सबसे नीचे, ठीक है, राइट जी। आप सीधे फैमिली वाइज कहाँ घुस सकते हैं या फिर डीपली हर चीज कैसे पता लगा सकते हैं। अच्छा, आप इसमें मैं दिखा रहा हूँ ना, कुछ चिड़िया दिख रही हैं आपको, स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी, लेकिन अगर कौन सी चिड़िया आपको देखनी है उसके लिए आप सर्च का इसका वो भी है बटन, तो आप इसमें लिख सकते हो, इस पर आप डायरेक्ट लिख के उसको ढूंढ सकते हो। जैसे मैं मान के क्या लिखते हैं, वाटर हैन, ठीक है, है ना, तो व्हाइट वेस्टर्न वाटर हैन आ गया, ठीक है। वाटर हैन को मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए वाटर हैन क्या है और उसकी उसके बारे में पूरा डिटेल उसके साथ ही है, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे ना आईडी इन्फो के राइट में साउंड और मैप, ये भी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप साउंड पे क्लिक करोगे तो आप उसके साउंड को भी पता लगा सकते हो, ठीक है ना, कॉल से भी आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। अगर आप हाँ कौन सी आ रही है, हाँ ये आवाज सुन रहा था मैं, राइट, ये वाटर हैन की आवाज, बिल्कुल। और फिर आप उसके राइट में अगर देखोगे तो मैप है, जी मैप पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे पाई जाएगी, यस, ये ब्लू कलर का जहाँ दिख रहा है यहाँ पूरे साल मिलता है, ये रह रहा हूँ, अच्छा, ये जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिख रहा है ये ब्रीडिंग का है, और अगर कहीं येलो और ये स्काई ब्लू अगर आपको दिखता है तो वो माइग्रेशन और नॉन ब्रीडिंग का है, ठीक है, राइट। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, आप ऐसे भी कंफ्यूज नहीं हो सकते कि यार आप कहीं और की चिड़िया यहाँ बता दो, क्योंकि आप नेक्स्ट अगर मैप से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चिड़िया यहाँ होती है कि नहीं होती। ये मैप इतना इंपॉर्टेंट है जो हमको बताया है मर्लिन ऐप, आप गूगल प्ले पर इसे स्टोर कर लेना, इसको तो पटक के रखो, आप कहीं भी जाओ हाँ, बहुत हेल्पफुल होगा, मजा आता है। अगर आपको नेचर में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, थोड़ा भी लगाव है बर्ड से और भी चीज़ों से, तो ये बहुत शानदार है, आपको कभी ये नहीं रहना पड़ेगा यार देख तो ली पता नहीं है, हाँ। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अब दूसरी ऐप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी भी काफ़ी हो गई है और दो बज चुके हैं, अब आपके लिए पसीना बहाया जा रहा है। तो अब दूसरी जो ऐप है जिस पर बहुत ज़्यादा पूरा वर्ल्ड क्रूशल है, एक्चुअली क्या आजकल ये कोरोना के चक्कर में लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, तो ई बर्ड एक ऐप है जो मैं अभी अंसार से पहले बात कर रहा था तो पूछ रहा था मैंने कि ऐसा क्या है, तो ये बता रहे थे ई बर्ड ऐप है, आजकल सारी चेकलिस्ट बनती हैं ई बर्ड पर, आप लिस्टिंग करते हो तो ये पता चलता है साइंटिस्टों को कि कौन सी बर्ड कहाँ पाई जाती है, पहले यहाँ पाई जाती थी आज नहीं पाई जा रही है, उसके क्या रीज़न है, वो साइंटिफिक थोड़े से उस पर रिसर्च वगैरह करते हैं, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या एटमोसफियर चेंज हो रहा है जिससे ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, तो थोड़ा सा अब ई बर्ड के बारे में समझते हैं और उसको भी यूज़ करना सीखते हैं। तो अभी मैं दोबारा श्याम जी से पूछूंगा, अंसार जी से पूछूंगा कि जरा ई बर्ड के बारे में हमको बताओ कि किस तरीके से ये काम करती है।
जी। सो बेसिकली ई बर्ड क्या है? ई बर्ड एक है ना, जो बर्ड्स का लिस्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप है, जिससे कि आपकी बर्ड्स की रिकॉर्डिंग लिस्टिंग कर सकते हो और अपनी लिस्ट को डालोगे, आप सबमिट करोगे तो वो डाटा आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा ई बर्ड उसके अकाउंट्स में। ये भी आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से ही मिलेगी आपको, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल एप्पल दोनों से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, और उसके बाद में बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ करना होता है। तो मैंने तो ये पहले स्टोर कर रखी है और अंसार ने मेरे को इस पर आईडी बनवा दी थी, तो लेकिन मैं आपको एक बार शुरू से बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये यूज़ होती है और किस तरीके से कहाँ से लेनी है। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर आप इसमें सर्च मार लीजिए ईबर्ड, EBIRD, ईबर्ड करेंगे, सबसे ऊपर ईबर्ड जो आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए ऊपर लिखा रहा है, यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद तो ये इस तरीके से दिखेगी जैसे आप मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और अब मैं श्याम जी से पूछूंगा इसमें किस किस तरीके से अंदर जाते हैं और कहाँ इसमें आपको अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होता है। जी हाँ, इसमें सबसे पहली बात है आपने तो पहले से डाउनलोड किया हुआ है जी। इसमें ये डाउनलोड होने के बाद में एक पैकेज भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जी जी, जिसमें जितने पैकेज हैं, आप नॉर्थ इंडिया का पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं या साउथ का कर रहे हैं या पूरे इंडिया कर रहे हैं या एशिया का कर रहे हैं या वर्ल्ड का कर रहे हैं, बहुत सारे पैकेज हैं, तो उसके लिए आप उसको भी डाउनलोड मतलब वो आपको करना ही होगा। जी जी, ठीक है ना। और वो आप जब एक बार इसको शुरुआत में डालेंगे ना, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे उसके बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो उसको पैक मांगेगा आपसे, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी जी, ठीक है ना। तो आप उसको जब एक बार डाउनलोड ओपन हो जाएगा, आपके पास पैक भी है, आपके पास इंडिया का पैक है, इंडिया में खड़े हो, इंडिया की बर्डिंग कर रहे हो, तो अब आपको लिस्टिंग करनी है जी। अब आपको पता लगाना है कि मेरे को इस ट्रेल पे इस एरिया में कौन कौन सी चिड़ियाँ मिलती हैं और इसकी एक ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, एज ए आप अच्छे बर्डर हो या आप सीरियस बर्डर हो। जी जी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये एक बहुत ही प्यारा कॉर्नर लैब के द्वारा बना हुआ ऐप है, जैसा अंसार जी बता रहे थे कि इसको इजीली लिस्टिंग की जा सकती है इससे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टार्ट चेकलिस्ट लिखा हुआ है जी, राइट जी। मुझे यहाँ पर केवल स्टार्ट चेकलिस्ट पर क्लिक करना है क्योंकि ये टाइम और डेट ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इसने लिया हुआ है। स्टार्ट और इस पर देखो, इसके ऊपर एक लिखा है रिकॉर्ड ट्रैक। जी जी, रिकॉर्ड ट्रैक को अगर आप, मैं यही कहूंगा हमेशा कि उसको ऑन रखें, ऑन ही रखना, जिससे आपको पता, जिससे एक ऑथेंटिक आपकी बने, आपको पता चले कि आप रियल वहां पे गए हो और जहां आप सबमिट कर रहे हो उनको पता चले कि इसने वहां पे किया है। ठीक, हाँ, तो आप इसको रखें। अदरवाइज अगर कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको ऐसी आ रही है कि कहीं बैटरी का वो है या कुछ है या आप स्टैंड बाई वो कर रहे हो, अच्छा ठीक, तो उसके लिए ना ये चेकलिस्ट के मतलब आप इसको बंद कर सकते हैं। बाकी आप इसको रखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जिससे आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आप चाहें 5 किलोमीटर गए और कहाँ कहाँ होके गए, आपका ट्रैक बनेगा, राइट। हाँ, पहली बार बता दूं, लोगों के दिमाग में ये आता है कि मैं अगर ई बर्डिंग करूंगा, मैं मेरे ट्रैक पे गया, मुझे कुछ चिड़ियाँ पता थी, कुछ क्रिटिकल ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनको ज्यादा पब्लिकली ओपन नहीं होना चाहिए जी, तो उनको भी बचाना है जी, राइट जी। तो लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर ट्रैक करें एक बार और ट्रैक में पता चले कि मतलब हमने ट्रैक किया है और हम ये सोचें कि यार वो चीज़ कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्सप्लोर हो जाए और लोग वहाँ पे फोटोग्राफी या कैसी भी करके, सॉरी मैं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी उसको बचाने के लिए डर रखता है कि ऐसा ना हो, उस जगह का पता चल जाए। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप सबमिट करते हो आपकी लिस्ट, तो आपका ट्रैक जी जो आपका बना है वो किसी और के लिए स्टोर नहीं होता, अच्छा अच्छा राइट, वो केवल आप देख पाओगे, बाकी आपकी लिस्ट और आपका प्लेस कहाँ आपने बर्डिंग किया वो आप वो सबके लिए ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज इट। तो जैसा मैं बताया था, स्टोर किया, इसका एक पैकेज स्टोर किया, उसके बाद में आ गए स्टार्ट चेकलिस्ट पे, ठीक है। स्टार्ट चेकलिस्ट पे मैंने क्लिक किया जी। अभी आप थोड़ा सा यहाँ नेट इसके लिए थोड़ी सी इंटरनेटली ये GPS से कनेक्ट करता है एरिया को और उसके बाद में लिस्ट को डाउनलोड करता है। तो जिस एरिया में हम केवला देव नेशनल पार्क हैं, तो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है लेकिन वर्क प्रॉपर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो जिसने क्या किया कि आपने जब उसको ऑन किया तो GPS से कनेक्ट करके पर्टिकुलर जिस एरिया में आप उस एरिया का लिस्ट आपको ला दी कि इस एरिया में ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और उसके लिए आप अब यहाँ से आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि एक तरफ आपकी घड़ी शुरू हो चुकी है, यानी कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब आपको जो स्पीसीज दिख रही हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान के चलो मुझे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्पॉट वेल दिखे थे, हम लोगों ने दो स्पॉट वेल देखे थे, तो हमने ये दो के आगे एक प्लस लगाया, इस पर हमने एक या दो बार क्लिक किया, राइट। एक ये ऑप्शन है, दूसरा ये है कि आप हम सीधा बर्ड के ऊपर क्लिक करें
और यहाँ आए और यहाँ नंबर डाल के ना, ठीक है, जैसे यहाँ दो डाला में देख रहा है तो आप ऐसे आओ, ऐसे आओ, बार बार कब तक करते रहेंगे, राइट। और उसके बारे में अगर कहाँ मिल रही थी तो डिटेल्स भी आप डालें तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो जैसे जैसे कि कुछ स्पीसीज काफी मतलब मान सकते हो कि बहुत कम दिखती हैं आपको, नहीं दिखी है उस एरिया में, पासेस में दिखी है या कुछ भी दिखी है, अगर डिटेल डालोगे तो उससे प्रूव होगा कि हाँ आपने देखी है और लोगों को मालूम पड़ेगा। हाँ, तो ये चीजें हम उसको डाल के हमने कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से हाँ ये कर सकते हैं। हमने जो भी देखा, जैसे हमने एक पी फाउल जो उधर से आ रहे थे तो एक थी पी फाउल था, एक पी फाउल देखा, ग्रे फैंकुलिन तीन थे तो हमने देखे। अब हम ये करते हुए जहाँ हमने लगा कि अब हमको अब ये हमारा हो गया, हमने जितनी भी चीज देखी थी, कोई पर्टिकुलर एरिया या शुरू सुबह जैसे हम बर्डिंग कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप जब भी करें जी जी कम से कम पंद्रह मिनट आपको फील्ड में रहना है, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना चाहें आप रह सकते हैं, बट आप डिस्टेंस में अगर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर का करेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। अच्छा, 2 किलोमीटर से हाँ, ज्यादा नहीं हो तो ज्यादा। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बर्डिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें हैबिटेट भी चेंज होता है। अच्छा। अगर आप एक ही लिस्ट को ऑन रखेंगे तो सारे हैबिटेट जस्ट मिक्स हो जाएंगे, अगर शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे हैबिटेट को देख के तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, सारा कुछ सही बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होगा कि ये अभी वेटलैंड में थे, यहाँ ये स्पीसीज थी, फिर यहाँ, अब आपने एक ही दिन का रखा पूरा, आप पूरे दिन में लगे पड़े और आपने 50 किलोमीटर का एरिया कर लिया तो पता ही नहीं चल रहा है आपने कहाँ कौन सी चीजें देखी थी, क्योंकि आपकी लिस्ट तो एक ही है ना, 50 नहीं है ना, तो आपको ना छोटी छोटी लिस्टें करनी चाहिए जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि इससे ना बहुत सारी स्टडी ओवरऑल स्टडी हो रही है। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि एक दिन में आप कितनी भी चेकलिस्ट डालो तो इससे कोई प्रॉब्लम, कितनी भी डालो आप, ठीक आप रात में भी डाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, अगर रात में आपको ज्यादा चिड़िया नहीं दिख रही है, केवल आपने आप उल्लू की आवाज सुनी तो आप उसको लिखेंगे मैंने उस उल्लू की आवाज सुनी, ठीक है, और अगर आप उसको रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं तो वो भी आप इसमें एड मीडिया में जाके ना इसमें कॉल्स सब कुछ डाल सकते हैं। अभी हमने जैसे लिस्ट बना ली, दिख गई, हाँ, लिस्ट बन गई हमारे पास, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने लिया हुआ। लेकिन एक और चीज में बताना भूल गया था, आप अगर इस लोकेशन को आप अपने नाम देना चाहते हो, जैसे ऑटोमेटिक लोकेशन तो उसने डाल दी, लेकिन वो केवल GPS कोड दे रहा है आपको, लेकिन आप उसका नाम डालना चाहते हो, ठीक, यार मैंने तो देखी पार्क के अंदर देखी, लेकिन पार्क के किसी पर्टिकुलर एरिया को नाम आपने डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। तो आप यहाँ ऊपर देखिए, एक सबसे ऊपर राइट में ऊपर कोने पर ऑटो सेलेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, देखा ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो हमारे आजू बाजू की लोकेशन आ जाएगी, हाँ, जो 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 लोग पहले ऑलरेडी लिस्टिंग कर चुके हैं वो नीचे आ जाएगी। जैसे इसमें जो हम हैं, हमारा भी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है अननेम रोड जाटोली घना राजस्थानी, ऐसा कुछ दिखा रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है ना, लेकिन उसके पहले यहाँ पे की हुई लिस्ट ये है। अच्छा, अब मैं क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में हूँ तो मुझे ना कोई अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास सारी की सारी लिस्ट देखिए नीचे आ गया, यूज दिस लोकेशन। तो अब इस जैसे मैं इस लोकेशन को यूज करूंगा ना, उससे क्या होगा कि केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर जितनी भी लिस्टेड बर्ड हैं उनकी लिस्ट आपके पास ऑलरेडी होगी, आपके ऑलरेडी आपके पास होगी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो अभी ऊपर कोने पे लिखा दिख गया आपको केवलादेव नेशनल पार्क। अब मान के चलिए हमने फॉर एग्जांपल ये जितनी भी हमने चिड़िया देखी, राइट, ठीक है, इनको देखने के बाद अब बोले अब इसको कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको आप स्टॉप करें, ठीक है, राइट, ठीक है, स्टॉप करते ही इस पर सबसे लिखाएगा स्टॉप ट्रैक, जी स्टॉप ट्रैक करें। उसको करने के बाद में आप देखें ऑब्जर्वर, जैसे आप एक हो या दो हो या ग्रुप के साथ हो, तो जैसे हम लोग अभी तीन हैं, या तो ऑब्जर्वर में हम यहाँ तीन डाल सकते हैं, तीन अपन ग्रुप जो जितने लोग हैं, ठीक है, आप लोग जो उस ग्रुप में बर्डिंग कर रहे हैं उसका डाल सकते हैं, इट मींस कि वी आर शेयरिंग बर्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। तो हम लोग फिर कितने मिनट, हमने जैसे इसमें 4 मिनट दिखा रहा है, पर ये जस्ट फॉर एग्जांपल की वाली बात है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 15 मिनट तो होना बहुत जरूरी है, राइट, ठीक है। तो इसमें करने के बाद में फिर आप शेयर करना चाहते, जैसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरा ये अपन ग्रुप में, तो ग्रुप में सभी मेंबर के साथ शेयर करेंगे, तो शेयर बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो लोगों से हम कनेक्टेड हैं, नहीं तो आप जैसे मैं आपको अपना आईडी मतलब ई वर्ड का आईडी देता हूं, तो आप उसको इसमें डाल के ऐड करके ना आप मेरे साथ शेयर करोगे कि हम दोनों ने साथ में बर्डिंग की थी, वो सो होता है, राइट, ठीक है। ये करने के बाद में फिर आप जब पूरा चेक करने के बाद में ऊपर आप चाहें तो आप अपनी जो कमेंट वाला वो है ना सोशन, इसमें आप इसमें जो पैच के बारे में लिखना चाहते हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे था, ये हैबिटेट था, अपनी कोई स्टोरी थोड़ा सा डालना चाहते हैं, जो कमेंट बर्ड्स एंड उसके
सराउंडिंग हैबिटेट और उस हैबिटेट के बारे में जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ ऐड कमेंट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी यहाँ पे किया, हाँ, जैसे कि दो साल पहले मैंने देखा था कि एक पाइथन मोर को पकड़ के खा रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको काउंट किया और जस्ट उसका देखा, उसका जो ऑब्जर्वेशन था मैंने उस पर लिख के डाला, ठीक है। तो आज तक उसके ऊपर लिखा हुआ है पूरा, तो एक छोटा सा कमेंट है, जो भी आपने देखा कुछ ऐसा है तो उसको इसमें डाल सकते हैं, राइट। तो आप अपने कमेंट डालने के बाद में स्पीसीज जो दिख रही है वो दिख रही है, ठीक है ना। उसके बाद में आप इसको सबमिट वाला बटन, सबमिट वाला बटन है ना, ठीक है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे जी, ये बोलेगा इज दिस कंप्लीट चेकलिस्ट, यस है ना, ठीक है, यस है। लेकिन ये भी नहीं पूछेगा अगर एक थोड़ा सा काम करोगे तो, मैं थोड़ा भूल गया था, ऊपर देखिए आर यू सबमिटिंग अ कंप्लीट चेकलिस्ट, अगर इसमें यस और नो में पहले यस करें, पहले यस करें, अच्छा अच्छा ठीक, और तब फिर यहाँ से सबमिट करें, सबमिट करें, तो ये चेकलिस्ट सबमिट। अगर आपको देखना है कि हमने जो चेकलिस्ट सबमिट की है उसको किस तरह से देखना है तो वो भी जरा श्याम बता देंगे आप। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। तो हमने जो चेकलिस्ट अभी डाली है ना, कि अब हमने कौन सी चेकलिस्ट देखी, तो हमारे पास ये देखिए, ये एक सेकंड मैं वापस आता हूँ, थोड़ा दिखाऊंगा। नीचे स्टार्ट चेकलिस्ट से नीचे देखिए चार बटन बने हुए हैं जी, सबमिट चेकलिस्ट एक्सप्लोर माई ई बर्ड, ठीक है, राइट, ठीक है। तो चेकलिस्ट माई ये है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे केवलादेव ग्रांड नेशनल पार्क की ये चेकलिस्ट आ रही है 27 तारीख की, देख रही है ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपकी लेटेस्ट है वो ऊपर टॉप पे आएगी और नीचे जो पुरानी वाली है, और आप उसको जिसको भी क्लिक करोगे आप तो वो सारा डिटेल आ जाएगी, हाँ वो आपके सामने होगी। आपने यहाँ पे किया था, इसको आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एड कर सकते हो, साउंड डाल सकते हो, सभी चीज एडिटिंग में जाके कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको काफी समझ में आ गया होगा, बाकी थोड़ा सा जी बात करें तो देखिए ये टेक्निकल है जी, मर्लिन जो है वो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और आपके जिस हिसाब से हम आप बात कर रहे थे कि हमें बिगनर्स के लिए चाहिए और जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए चाहिए, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि पहले आप मर्लिन से बर्डिंग करना सीखें, अच्छा अच्छा, देन कम टू द ई बर्ड, हाँ पहले आइडेंटिफाई करना सीखें कि बर्ड्स का शेप क्या है, किस टाइप की है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि डक्स किस तरह की होती है, पिजन किस तरह का होता है, जब उसमें आइडेंटिफाई करने लगेंगे ना तो आप इस पर आके वो कर सकते हैं। कर सकते एक बार आप हाँ मर्लिन से आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने एरिया के थोड़ा सा कुछ सीखिए, जब पता चलेगा मेरे पास 20 तरह की चिड़िया हैं तो आपको लिस्टिंग करने में मजा आएगा, मजा आएगा। और ई बर्ड का एक चीज हो रहा है, अगर ई बर्ड आप कर रहे हैं तो आप है ना एक तरह से कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, एक कोई रेयर बर्ड है जो आपको पर्टिकुलर एरिया में डेली दिख रही है, कुछ भी मतलब साइटेड हो रही है और उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, अगर वो बर्ड ऐसी है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो ई बर्ड उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगा, अच्छा, अच्छा, तो ये हम कंजर्वेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है अगर अंसार ने, अगर आप कोई ऐसी बर्ड ढूंढ लेते हैं जो बहुत रेयर है और वो आपने आइडेंटिफाई करके अगर ई बर्ड पे डाली है तो वहाँ अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह है हो रहा है तो उसको ई बर्ड बचाने की 100% कोशिश करेगा, और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए ई बर्ड पर लिस्टिंग जरूरी है, चेकलिस्ट जेन्युइन होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चेकलिस्ट जो भी कर रहा है ना तरीके से करे और कंपटीशन नहीं करे एक दूसरे के साथ, जेन्युइन चेकलिस्ट करे वो सबसे बेटर है, क्योंकि डाटा जो भी हम शेयर करते हैं वो सबके लिए शेयर होता है, लोग बाग आपको फॉलो करते हैं, आप गलत डालोगे तो लोग बाग भी गलत जस्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो प्लीज़ जो भी शेयर करो जेन्युइन करो, बिल्कुल जेन्युइन ही करनी चाहिए, और जेन्युइन से ही पता चलता है एक्चुअल में जिसके लिए ना जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो लोग देखना चाहते हैं। देखिए हम पूरे पूरे वर्ल्ड से डेटा आ रहा है जी जी जी, तो कहाँ कौन सी स्पीसीज किस मात्रा में कौन से टाइम पे कब सरवाइव कर रही है या आ रही है जा रही है, पूरा डेटा उनके पास है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं पिछले साल बर्डिंग कर रहा था मेरे अजान डैम के पास, और वहाँ पे मैंने देखा कि लगभग 1200-1300 प्रोटीन कॉल मूव ऑन हो रही थी जी 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 माइग्रेशन के टाइम पे, राइट। लेकिन इस अगर अब वही सेम टाइम पे इस साल देखा मैंने तो 1200-1300 ना होके 100-150 की मात्रा में थी, तो ये डेटा एक पता चला कि इस टाइम पे इतनी आई थी पिछले साल और इस साल इतनी नहीं आई कम आई, तो कहाँ है वो क्योंकि अब मैप बन रहा है, हर जगह से मैपिंग हो रही है, हर जगह से लिस्टिंग हो रही है, तो दिख रहा है कि कौन सी कितनी स्पीसीज अब इस टाइम पे कहाँ है जी 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 जी, तो एक एक। और फिर अगर कहीं क्रिटिकल कंडीशन अगर मान के चलो कब अगर इसे कहते हैं ना कैसे पता चलेगा कैसे चलेगा कि यार कैसे हम लोग कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं, तो देखिए सीधी सी कहानी है, एक लिस्ट करता आ रहा है बंदा 10 साल से किसी एक जगह पे और वो बताता आ रहा है कि यार यहाँ पे ये मिलता है यहाँ पे ये मिलता है यहाँ पे ये मिलता है यहाँ पे ये मिलता है, यानी कि यहाँ पे 10 ग्रेटर कुक्कल मिलते हैं, ठीक, राइट। 10 ग्रेटर कुक्कल आपने आज डाले, पूरे साल डाले, वर्ष भर डाले, ठीक है, कौन से महीना में आपको सुबह के महीने में टाइम पे कितने मिलते थे, शाम के टाइम पे कितने मिलते थे, पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपके पास होगी। फिर पता चला कि 3 साल के बाद में आप लिस्ट कर रहे हो कि 10 नहीं है, अब आप लिस्ट कर रहे हो आप 20, तो पता चल रहा है उससे कि वहाँ पे
पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब पता चला कि कहीं पे हम बहुत दिन से लिस्टिंग कर रहे हैं लेकिन जो जो चिड़ियाओं की क्वांटिटी है वो बढ़ के ना घट रही है। तो उसके पीछे रीजन क्या है बैंड इट, तो उस पर उसके पीछे फिर वो साइंटिस्ट हैं जो वगैरह हैं जो उस पर रिसर्च कर, यानी कि आपकी एक चेक लिस्ट ने साइंटिस्टों को ये बता दिया कि हमें वहां पे जाके ना इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ एक इवेंट होने वाला है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि एक्चुअली टाइम हो गया 2:15, इन भाइयों को भी जाना है, हम भी पसीने पसीने हो रहे हैं। तो अभी जो एक इवेंट होने वाला है अंसार भाई, आप बताओ कि मतलब यहाँ क्या होने वाला है जो हाँ। पिछली साल भी हुआ था शायद, और अब की बार उसमें कुछ चेंज भी है या नहीं है, क्या कुछ बताएं प्लीज। देखो, बेसिकली लास्ट ईयर से जो इवेंट स्टार्ट हुआ है उसका नाम है ग्लोबल बर्डिंग इवेंट, जो कि पूरी दुनिया में किया जाता है 3 दिन के लिए। सो वो इवेंट भरतपुर में भी है पर हमने उसका नाम चेंज कर दिया, हमने उसको कर रहे हैं भरतपुर बर्डिंग वीक, क्योंकि इवेंट होता है 3 दिन का, हम कर रहे हैं 5 दिन। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग हैं स्कूल्स हैं और गाइड्स हैं और रिक्शा पुलर्स हैं और जो लोकल लोग हैं जो भी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनको बिठाला जाए, और एक्सपर्ट्स आ रहे हैं BNHS के, एक्सपर्ट आ रहे हैं WWF के, और लोकल NGOs हैं और फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि इस किस चीज़ को मतलब बर्डिंग किस तरह से की जाती है और कितना इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी के वाले फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे, और बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बताया जाएगा कंजर्वेशन क्या चीज़ है। तो ये अगर हम बर्डिंग करते हैं, सिंपल एक हाउस स्पैरो के बारे में भी बात करें कि पहले घरों में बहुत कॉमन हुआ करती थी, अपने पुराने घर हुआ करते थे और लोग बाग उसको अठाते नहीं थे। अभी हमने घरों को सुंदर बनाने के लिए जो चिड़िया घोंसला बनाती थी उसको घोंसले को उठाना चालू कर दिया, तो उसके हटने से एक तरह से उसका हैबिटेट खत्म हो रहा है, तो उसकी नेस्टिंग पॉपुलेशन जो नीचे जा रही है। तो इस सब चीज़ों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके हम उनको समझा सकते हैं। और ग्लोबल बर्डिंग इवेंट बेसिकली ये है कि 2 दिन का इवेंट जो होता है उसमें देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 2 दिन बर्डिंग करी और कितना नंबर स्पीसीज का कितना नंबर रिकॉर्ड हुआ। सो एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कंजर्वेशन के लिए जो फंडिंग आती है वो पूरा कंजर्वेशन के लिए जाती है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अंसार भाई ने दी हमको कि हम बर्ड वीकेंड डे मनाने जा रहे हैं, वो 8, 9, 10 तीन दिन का है बेसिकली, लेकिन भरतपुर में 5 दिन का मनेगा, और भरतपुर बर्डिंग टीम के नाम से हम रजिस्टर्ड हैं ई बर्ड पे, और दबा के बर्ड वॉचिंग करेंगे, दबा के वीडियोज आएंगे। तो प्लीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी बिगनर्स हैं और जो भी लोग हैं इस वीडियो को धर्मेंद्र भाई साहब के इसको सब्सक्राइब करें और जिससे ज़्यादा हो सके उसे शेयरिंग करें जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मालूम पड़ सके। अब एक्चुअली क्या नॉलेज वाली वीडियो आएंगी, अब मोटो ब्लॉगिंग नहीं होगी, अब नॉलेज वाली ब्लॉगिंग होगी, और आपके लिए बहुत शानदार इवेंट होने वाला है और वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत प्यारी प्यारी वर्ड देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये दोनों भाई को छोड़ूंगा नहीं, अब संग रखूं। और लास्ट में हम धर्मेंद्र भाई साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया। जैसा कि आप अभी अंसार जी ने और धर्मेंद्र भाई जी ने बताया है कि हम लोग इनका एक प्रयास है धर्मेंद्र भाई का कि नॉलेज की कुछ वीडियो लेके आए, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं और अंसार हम दोनों ये वीडियो बनाने में बिल्कुल नए हैं, ये इनका काम है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या कहीं पर भी पोस्ट शेयर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कहीं पर भी कोई अगर करते हैं, तो प्लीज़ कंजर्वेशन के लिए जैसा आप पे हो जाए, जैसे हमने आज कोशिश की है, तो सीधी सी बात है हमसे इन्होंने पूछा, हम थोड़ा सा हेजिट भी हैं क्योंकि हम इसके कैमरे के सामने चिड़िया फोटो खींचते थे, आज इनकी खींच गई है, थोड़े से कोई डरने की वो नहीं है, जैसा आप कर सकते हो प्लीज़ कंजर्वेशन के लिए छोटे छोटे वीडियोज जो भी नॉलेज की चीज़ें आपके पास हैं आप बनाएं और शेयर करें, जितना हो सके जितना शेयर करें, क्योंकि हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए, बर्ड्स का और मैमल्स का सारे मतलब जीव जंतुओं को कंजर्व करना, उनको बचाना क्योंकि बहुत जरूरी है, ह्यूमन साइकिल है ना, इसमें हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हाँ। और एक भी इधर से उधर हो जाता है ना तो सब कुछ डिस्टर्ब होता है हाँ। तो ये सारा संभाल के रखना है। तो ये जो ग्लोबल बर्डिंग वीकेंड है आप आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जैसा आप कर सकते हो उसको कीजिए, और एक उस फीलिंग के साथ कीजिए कि हाँ मुझे कुछ कंजर्वेशन के लिए सबसे करना। अच्छी बात यह है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर बैठकर ये काम कर सकते हो। जी हाँ, अपनी छत पर बैठिए, छत पर जितनी भी आसपास बर्ड्स दिख रही हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, ई बर्ड पर डाउनलोड कीजिए, चेकलिस्ट ठोकिए दबा के, सब डन दबा के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।